हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने इस चर्चा वाले चैनल में। और आज जो है ना, बहुत दिनों के बाद जो है हम व्लॉग डाल रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा शाम का टाइम हुआ है, ज़रा आप लोगों को उस जगह लेकर चलता हूँ जिस जगह पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम चिल करने आते हैं, यानी बस इधर बैठने आते, एंजॉय करने आते हैं। तो सोचा आप लोगों को भी ज़रा नदी के आजू बाजू के सीन्स दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये है सामने वैनगंगा नदी और ये है छोटा पुलिया जो कि ना पूरी तरीके से भर चुका है। वरना पहले छोटा पुलिया की हाइट दिखाई देती थी, लेकिन जो है हाइट ही नहीं दिख रही तो पानी के कारण पूरा भर चुका है। और अगर आप वैनगंगा नदी के किनारे आते हो तो ये देखिए, ये है मंदिर, आजू बाजू पूरी ग्रीनरी, उसके बीच में मंदिर। तो इस जगह पर ना आप जो है नेचर की फ्रेशनेस है उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन अभी कोविड के कारण जो है मंदिर बंद है, अंदर जा नहीं सकते। ये देखिए बाहर निकल गए हम और अब चलते हैं उधर नदी के तरफ। और अपने साथ जो है मास्क कैरी कर लीजिए, मैंने भी कैरी किया हूँ। इधर साइड चलते हैं। ये देखिए टू व्हीलर के लिए भी जो रास्ता है ना वो बंद कर दिए। देखो कितने मुश्किल से ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से आप मुझे अभी देख सकते हो, मैं हूँ छोटे पुलिया पे खड़ा, जो कि बहुत पुराना ब्रिज बनाया हुआ है। आई थिंक ये 1940s है, उसके पहले से जो है ये ब्रिज बन चुका था। लेकिन पहले ये ब्रिज से जो है जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे दिखता था, बट अभी पानी इतना ज़्यादा आ चुका है ऊपर कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। और इस जगह पे अगर मैं देखूँ और हाथ लगाओ तो ये देखिए, ये इतने ऊपर तक के जो है नदी का पानी पूरी तरीके से भर चुका है। और इसका रीज़न इसलिए क्योंकि इस साइड जो है गोसेखुर्द डैम है, जो कि महाराष्ट्र का आई थिंक थर्ड सबसे बड़ा डैम इस जगह पे सिचुएटेड है। और पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है उस जगह, तो उस कारण पानी छोड़ा है। और वापस से जो है इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि पिछले बार जिस तरीके की बाढ़ आई थी तब इतना ही पानी भरा था, बस ऊपर से और फ्लो हो रहा था। अगर आप भी चाहते हो आपको थोड़ा एक माइंडफुलनेस होना, हल्का सा जो है नेचर को फील करना है एंड इवनिंग वॉक करना है, तो इस जगह पे आप जो है वॉक करने के लिए आ सकते हो। एंड नेचर को भी कभी कभार फील कीजिए सनसेट के टाइम पे, कुछ ऐसी जगह जो है आप आ सकते हो।